दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी S23 सीरीज के जो स्मार्टफोन्स हैं इन्हें गैलेक्सी AI का नया अपडेट मिल चुका है। इससे जो ओवरऑल मोबाइल एक्सपीरियंस है ये एनहेंस होने वाला है। वैसे मेरे हाथ में है ये सैमसंग गैलेक्सी S23 FE और इसमें है गैलेक्सी AI का नया अपडेट। ये जो स्मार्टफोन है ये आपको मिल सकता है 39999 में ऑफर्स के साथ में। इसके बारे में जानकारी मैं आपको आगे चल के देने वाला हूँ, फिलहाल देखते रहिए। ये S23 FE सैमसंग OneUI 6.1 रन कर रहा है जो कि एंड्रॉयड 14 पर बेस्ड है। वैसे जो हैंडसेट्स है जिनमें एक्जिनोज 2400 या फिर 2200 प्रोसेसर यूज़ किया गया है ये AI प्रोसेसिंग को बहुत ही बढ़िया तरीके से हैंडल करता है। इनफैक्ट एट पार कह सकते हैं कंपेयर टू स्नैपड्रैगन 8 Gen 3। ये एक ब्यूटीफुली डिजाइंड हैंडसेट है, एकदम प्रीमियम लेवल का है। जब आप इसे हाथों में पकड़ते हैं तो आपको वो फील भी मिलता है। और ये देखिए ये मेटल फ्रेम के साथ में आता है। ये जो हैंडसेट है काफ़ी ड्यूरेबल है और ये IP68 रेटिंग के साथ में आता है। इस हैंडसेट पर आप हाई एंड गेम्स खेल पाएंगे और ये काफ़ी स्मूथली चल रहा है। जो ओवरऑल स्पेसिफिकेशंस है ये भी काफ़ी इम्प्रेसिव है। ये लार्ज वेपर कूलिंग चेम्बर्स के साथ में आता है जिससे जो हैंडसेट है ये ज़्यादा हीटअप नहीं होता है और आपको स्मूथ परफॉर्मेंस ये देने वाला है। देखिए बहुत ही कम ऐसे स्मार्टफोन्स हैं जो कि रे ट्रेसिंग सपोर्ट के साथ में आते हैं और ये जो गेम मैं खेल रहा हूँ यहाँ पर ये एक्चुअली रे ट्रेसिंग सपोर्ट के साथ में आता है। देखिए फिलहाल मैंने जो रे ट्रेसिंग है इसे हाई पे रखा हुआ है। अभी जो फीचर है ये आमतौर पे आपको जो पीसीज होते हैं हाई एंड पीसीज गेमिंग पीसीज उनमें आपको मिलता है, क्योंकि रे ट्रेसिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रोसेसिंग की ज़रूरत पड़ती है और बहुत ही कम ऐसे स्मार्टफोन्स हैं जो कि ये जो फीचर है सपोर्ट के साथ में आते हैं, इसमें दिया हुआ है। अब देखिए हर एक जो स्मार्टफोन है ये 8K में वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकता है, उसके लिए बहुत ही पावरफुल सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी। और ये जो हैंडसेट है ये 8K एट 24 FPS में वीडियो शूट कर सकता है और 4K वीडियोज़ एट 60 FPS में शूट कर सकता है। इसी से ही अच्छा आइडिया मिल जाता है कि ये जो हैंडसेट है कितना पावरफुल है। और इसमें 3x ऑप्टिकल जूम भी दिया हुआ है। ये कुछ सैम्पल्स हैं। नाइटोग्राफी ये AI पावर्ड है, डुअल पिक्सल टेक्नोलॉजी यूज़ किया गया है। इसमें AI स्टीरियो डेप्थ मैप भी यूज़ किया गया है जो सॉफ्टवेयर ड्रिवन फीचर है, AI एल्गोरिदम यूज़ करता है और जो इमेज है इसकी जो क्वालिटी है इसे एनहांस करता है। तो बेसिकली यूज़र को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो AI स्टीरियो डेप्थ मैप फीचर है ये पहली बार सैमसंग गैलेक्सी S24 सीरीज़ के जो स्मार्टफोन्स हैं उनमें इंट्रोड्यूस किया गया था। चलिए जो AI फीचर्स है वो चेक करते हैं। गैलेक्सी AI का जो सबसे इंटरेस्टिंग फीचर मुझे लगा वो है लाइव ट्रांसलेट। ये 13 लैंग्वेजेस सपोर्ट करता है इंक्लूडिंग हिंदी और यहाँ पर बेसिकली आपको जो लैंग्वेज पैक है उसे डाउनलोड करना है। म्यूट माई वॉइस का ऑप्शन है, अगर मैं इसे एनेबल करता हूँ तो जो दूसरा व्यक्ति है उसे मैं जो कहूँगा उसका ट्रांसलेशन सुनाई देने वाला है। और यहाँ पर है म्यूट अदर पर्सन्स वॉइस, तो फॉर एग्जाम्पल जो अदर पर्सन है वो जो लैंग्वेज में बात कर रहा है उसका ट्रांसलेशन मुझे एक्चुअली सुनाई देगा। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है और ये जो फीचर है इससे कोई भी कम्युनिकेशन बैरियर नहीं होने वाला है। तो मैंने ये कॉल कनेक्ट किया हुआ है और दूसरे फ़ोन पर मैं बात कर रहा हूँ। हेलो, आप कैसे हो? और ये देखिए इंटरप्रेटर का भी ऑप्शन दिया हुआ है, एक तरह से लाइव ट्रांसलेशन है। तो यहाँ पर भी आपको जो लैंग्वेज पैक है उसे डाउनलोड करना है, खास करके कम्युनिकेशन के दौरान ये काफ़ी काम में आ सकता है। अब मैं हिंदी में बात करता हूँ और ये इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने वाला है। आज का मौसम कैसा है? ये देखिए AI यूज़ करके आप बड़ी आसानी से सर्च कर पाएंगे। आपको टैप एंड होल्ड करना है और सर्कल करना है और ये देखिए ये ऑटोमेटिकली चीज़ों को सर्च कर रहा है। जो इमेज मैंने सर्च किया हुआ है उसके बारे में अधिक जानकारी, मतलब कि और डिटेल्स इसने मुझे सर्च करके बताया हुआ है, तो बहुत ही आसान हो गया है। तो ये है सैमसंग गैलेक्सी नोट्स और ये जो टेक्स्ट है ये मैंने कहीं से कॉपी किया हुआ है। और यहाँ पर ये जो ऑप्शन दिया हुआ है ये देखिए ये AI फीचर यहाँ पर यूज़ कर रहा है। ऑटो फॉर्मेट हेडर्स एंड बुलेट्स ये ऑटोमेटिकली पॉइंट वाइज इसे कन्वर्ट करने वाला है, तो मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए इसने बहुत ही बढ़िया तरीके से कर दिया है। और दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर मुझे समराइज़ करना है, क्योंकि ये बड़ा सा टेक्स्ट है तो इसने काफ़ी बढ़िया तरीके से देखिए समराइज़ कर दिया है शॉर्ट फॉर्मेट में। और मुझे यहाँ से अच्छा आइडिया मिल जाता है कि जो कंटेंट है उसके मेन हाइलाइट्स क्या है। और मान लीजिए आप कोई वेबसाइट पर है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉन्टेंट है, आपको समरी चाहिए ताकि आप फटाफट उसे रीड कर पाएँ, तो ये देखिए समराइज़ यहाँ पर भी AI फीचर यूज़ किया गया है और ये जो कंटेंट है इसे काफ़ी हद तक सिंप्लीफाई करता है, शॉर्ट में इसने बना दिया है। जो फोटो एडिटर है यहाँ पर भी आप जो जनरेटिव एडिट्स है उसे एनेबल कर सकते हैं, तो ये भी AI फीचर है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। फ़ोटो एडिटिंग में भी आप AI फीचर को यूज़ कर पाएंगे
जस्ट आपको टैप एंड होल्ड करना है, जो ऑब्जेक्ट है ये सिलेक्ट हो गया है और आप कॉपी कर सकते हैं एंड यहाँ पर आप फिर से इसे पेस्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए इस प्रकार से आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स रिक्रिएट कर पाएंगे फ़ोटो में बड़ी आसानी से। और इन केस अगर आपको सब्जेक्ट को आइसोलेट करना है तो वो भी आप कर सकते हैं टैप एंड होल्ड एंड सेव एज इमेज। तो ये एक नया इमेज क्रिएट करने वाला है, ये देखिए इस प्रकार का विदाउट एनी बैकग्राउंड। तो यहाँ पर आप चाहें तो जो बैकग्राउंड है अपना मनपसंद डाल सकते हैं। अब ये वीडियो मैंने शूट किया हुआ है, ये देखिए इसे अगर मैं चाहूँ तो स्लो मोशन वीडियो बना सकता हूँ। उसके लिए मुझे सिर्फ एडिट में जाना है और यहाँ पे देखिए, ये देखिए अब इसने ये जो वीडियो है इसे स्लो मोशन में कन्वर्ट कर दिया है। राइटिंग असिस्ट में भी AI यूज़ किया गया है और यहाँ पर ट्रांसलेट चैट या फिर जो आपका राइटिंग है उसे आप एनहेंस कर सकते हैं। स्टाइल एंड ग्रामर मैंने ऑन रखा हुआ है, तो ये बेसिकली आपने जो भी टाइप किया हुआ है उसे और भी प्रोफेशनल बनाने वाला है। ये देखिए यहाँ पर मैंने कुछ टाइप किया हुआ है जो कि इतना परफेक्ट नहीं है, लेकिन मैं अगर चाहूँ तो ये ऑप्शन अवेलेबल है राइटिंग स्टाइल, टैप करके ये ऑटोमेटिकली इसे और भी प्रोफेशनल बना देगा। तो टुमारो नॉट फ्री आई विल, मैंने टूटी फूटी इंग्लिश यहाँ पर यूज़ किया है और ये देखिए इसने प्रोफेशनली इसे इस तरीके से रीराइट किया हुआ है, काफ़ी अच्छा है एक्चुअली, और कैजुअल भी है और सोशल भी है, पोलाइट भी है, मतलब कि बहुत सारे टोन्स के ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं और आपको जो यूज़ करना है आप बेसिकली यूज़ कर सकते हैं। देखिए 2024 में AI रूल करने वाला है और सैमसंग ने ऑलरेडी एक मेजर स्टेप ले लिया है, मतलब कि इनके जो स्मार्टफोन्स हैं इनमें गैलेक्सी AI फीचर जो है ये उन्होंने देना शुरू कर दिया है। गैलेक्सी AI नेटिव है, ये कोई भी थर्ड पार्टी सोर्सेज पर डिपेंडेड नहीं है जैसे कि दूसरे AI होते हैं। इसका मतलब ये है कि ये ज़्यादा सिक्योर है और जो प्रोसेसिंग है ये भी काफ़ी फास्ट होने वाला है। और यहाँ पे देखिए प्रोसेस डेटा ओनली ऑन डिवाइस, अगर आपको इसे एनेबल करना है मोर सिक्योरिटी के लिए तो वो भी आप कर सकते हैं। तो ये बहुत ही सिक्योर है एक्चुअली। सैमसंग ने जो इनिशिएटिव लिया हुआ है AI फॉर ऑल, यहाँ पर जो AI है उसे एनेबल करने वाले हैं कस्टमर के डिवाइसेस पर और इससे जो कस्टमर्स हैं उन्हें बेहतर, स्मार्टर और फास्टर एक्सपीरियंस मिलने वाला है। ये जो लेटेस्ट सैमसंग गैलेक्सी AI का जो अपडेट है ये और भी डिवाइसेस पर सैमसंग जल्द ही रोल आउट करने वाला है। जब पूरा रोल आउट हो जाएगा तकरीबन 100 मिलियन लोग गैलेक्सी AI यूज़ करना शुरू कर देंगे। वैसे अगर आप ये सैमसंग गैलेक्सी S23FE खरीदना चाहते हैं तो इसका एक्चुअल प्राइसिंग है 49,999, ये सैमसंग के वेबसाइट पर लिस्टेड है, लेकिन 10,000 रुपीज़ का बैंक डिस्काउंट भी आपको मिल रहा है, तो जो नेट इफेक्टिव प्राइसिंग है वो हो जाएगा 39,999। लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, देखते रहिए।